बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सीडीसी के जितने भी आईटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जितने भी कंप्यूटर लगे हैं, चाहे नसीराबाद वाला हो, फेडरल बीरिया वाला हो, फिर आईटी सिटी हो, या गवर्नर सिंह साहब का जो अभी इनिशिएटिव है आईटी प्रोग्राम का, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स होंगे, उसमें जो सैकड़ों कंप्यूटर वहाँ पे उतरे हैं वो सब भी मुजम्मिल अथर साहब जो GM हैं डेल के, मुलर फिप्स के, इनकी जानिब से दिए जाते हैं। और सबसे पहले मैं इनको खुश आमदीद कहूँगा, आप हज की सआदत हासिल करके अभी वतन पहुँचे हैं और हमने फ़ौरन इनको बुला लिया है। और हम इनको जब भी बुलाते हैं हम इनसे एक चीज़ ले लेते थे, वो क्या होती है आपको पता है ना, कंप्यूटर लेते हैं। तो आज सर को हम दौरा करा रहे हैं जो पाकिस्तान का एक बहुत ही यूनिक स्कूल बन रहा है हाउस ऑफ एजुकेशन के नाम से, जहां बच्चों एक एक बच्चे के ऊपर, जो प्री मॉन्टेसरी मॉन्टेसरी का बच्चा है उस पर तकरीबन 19,000 से 20,000 रुपये खर्चा आएगा। और मैं सर पहले आपको दिखा देता हूँ, देखिए अभी सारा वायरिंग का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ बंद की हुई लाइट वहाँ जल रही है, यहाँ म्यूज़िक की क्लास अलग है, यहाँ इनकी आर्ट्स की क्लास है, यहाँ कंप्यूटर आप बना के देंगे इंशाल्लाह, जदीद तरीन लैब और तमाम सिस्टम आए सर को भी दिखाते हैं। सर देखें सिस्टम क्या है, ये अभी मैं आपको जो जगह, सर ये क्लासरूम है, सर ये क्लासरूम, ये बच्चों के इतहाई जदीद तरीन लेटेस्ट तरीन कुर्सियाँ टेबलें और यहाँ डिजिटल बोर्ड आएगा जिस पर पढ़ेंगे, स्प्लिट AC हर चीज़ लगी हुई है, उसके अलावा पंखे भी जो है रिमोट वाले हैं, मतलब लोकल कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई यहाँ पर। आए सर, अब सर जो यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट की सर वो ये है कि हमें यहाँ पर हमारे पास जो बच्चा पढ़ेगा वो पढ़ेगा भी आईपैड पे, वो सब उनको फराम किए जाएंगे, एक रुपया फीस किसी से नहीं ली जाएगी। वेरी गुड। तो हम ये चाह रहे हैं सर डेल कंपनी की जानेब से एक 10 कंप्यूटरों की या 12 कंप्यूटरों की लैब बनाई जाए, जिसमें उन बच्चों को अभी से कंप्यूटर की तालीम दी जाए। तो उस हवाले से हम चाहते हैं कि आप इसमें डेल कंपनी या आप हमारी। देखें ये जो काम इस वक्त ज़फ़र भाई करने के लिए जा रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत बड़ी बुनियाद है, बुनियाद से जब बच्चों को आप तालीम देना शुरू करते हो तो एक अच्छी तालीम, और वो बच्चा जो निगलेक्टेड है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, वो बच्चा, उस बच्चे को हमने नीचे से उठाना है और ऊपर तक लेके जाना है। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी बुनियाद के ऊपर काम शुरू हो रहा है, इस फाउंडेशन के ऊपर काम हो गया, तो इंशाल्लाह आगे चल के यही बच्चे कौम के मेहमान बनेंगे। हम JDC के साथ फ्रॉम द डे वन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम IT के प्रोजेक्ट्स में शामिल रहे हैं, और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के अंदर भी शामिल होकर हम फख्र महसूस करेंगे। इंशाल्लाह हमारी तरफ से बेहतरीन किस्म की लेटेस्ट कंप्यूटर्स की लैब वो बना के दी जाएगी इंशाल्लाह इस स्कूल के लिए, जिसके अंदर बच्चे फ्रॉम द डे वन IT की तालीम हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बल्कि मैं आपको एक और बता दूं, हम उस लैब को डेल के नाम से ही बनाएंगे, बोर्ड भी लगा देंगे उस पर। और मैं आपको बता दूं ये सारी क्लासेज है, उसके बाद सर पीछे स्विमिंग पूल बन रहा है, जिमनेजियम बन रहा है, बाकी क्लासेस पीछे आए, मैं आपको दिखा रहा हूँ सर सारी क्लासों में अभी यहाँ पर किस तरह काम चल रहा है। ये देखिए सर, ये यहाँ पूरी वायरिंग है सरकारी स्कूल का, हर चीज चेंज कर दी है सर, जमीन पे देखिए आप टाइल्स और इधर स्पोर्ट्स, ये पूरा फर्श डला है, तकरीबन ये 12 इंच का फर्श डला है, अभी इसके ऊपर सारी कारपेटिंग हो गई है, देखिए सारी इलेक्ट्रिक वायरिंग हो रही है, बहुत महंगे महंगे बोर्ड लग रहे हैं, हर क्लास का अलग अलग दरवाजे का कलर रखा गया है, किसी का ग्रीन, किसी का रेड, किसी का येलो। और कोशिश बस सर यही है कि अगर किसी मिनिस्टर का बच्चा या किसी वजीर का बच्चा अच्छी जगह पढ़ सकता है तो एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता। इंशाल्लाह पढ़ेगा, इंशाल्लाह पढ़ेगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, और एक दफ़ा फिर डेल कंपनी का शुक्रिया अदा करूंगा, मुजम्मिल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, और आप अल्लाह के घर की इजारत भी करके आए, हज भी करके आए, अल्लाह ताला आपको और मौके भी दे भाई उमरा करने के, और जिन लोगों को जिन्होंने अब तक नहीं किया अल्लाह ताला उन सबको भी सआदत नसीब फरमाए, वो हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करें। और हमारी दुआएं आपके साथ, और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और इनके हक में भी दुआ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।